वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था, देख लेते हैं। सो पिछले वीडियो में हमने मलेरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। सो हमने उसमें पढ़ा था कि मलेरिया डिजीज़ कौन से ऑर्गेनिज्म से फैलता है, कौन से पैरासाइट से फैलता है। प्लाज्मोडियम से फैलता है। और हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम के 4 टाइप होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसमें सबसे सीवियर मलेरिया, क्रिटिकल मलेरिया हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। सो हमने वहाँ पे समझा था कि जो मलेरिया डिजीज़ होता है वो मच्छर के वजह से नहीं होता है, मच्छर सिर्फ एक एजेंट होता है, और जो हमें डिजीज़ होता है वो प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। सो हमने लाइफ साइकिल देखा था प्लाज्मोडियम का। सो किस तरह से वो मेरोजॉइट्स रहता है, मेरोजॉइट्स से ट्रोफोजॉइट्स बनता है, हमारे लीवर सेल्स में अटैक करता है, हमारे आरबीसीज में अटैक करता है, किस तरह से डिवाइड होता है, गैमेटोसाइट्स में चेंज होता है, और फिर से वो साइकिल चलते रहता है। सो हमने देखा था कि किस तरह से प्लाज्मोडियम मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड से हमारे में आते हैं। सो ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। और हमने देखा था क्या साइंस और सिम्टम्स है, किस तरह से हम मच्छर को हमारे एरिया में बढ़ने से रोक सकते हैं, तो हम मलेरिया से किस तरह से बच सकते हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स थे, और किस तरह से हम मलेरिया को पहचान सकते हैं कि हमें मलेरिया है ब्लड टेस्ट करके, और कुछ मेडिसिंस थी क्विनाइंस करके, और भी आरटीएस यूनिट्स थे। सो ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था मलेरिया के बारे में। सो हम आज के वीडियो में भी कुछ ऐसे ही एक डिजीज़ देखने जा रहे हैं जो कि हमारे 15% ऑफ पॉपुलेशन, जो कि इंडिया का पॉपुलेशन है, उसके 15% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सो हम आज देखेंगे नए डिजीज़ के बारे में, नए बीमारी के बारे में, जो कि मलेरिया जैसा ही है और बहुत ही छोटे से सेल्स के वजह से होता है, सिंगल सेल के वजह से होता है, सिर्फ एक सेल के वजह से। तो वो डिजीज़ है अमीबायसिस। क्या है? अमीबायसिस, जो कि अमीबा के वजह से होता है। देखते हैं आगे क्या है। अमीबायसिस इज ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। इट्स अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, और ये एक कॉमन इन्फेक्शन है, मतलब जो भी गंदगी एरिया में रहता है उनके लिए कॉमन इन्फेक्शन है, जो कि इंसानों के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है, मतलब इंटेस्टाइन्स में वो इन्फेक्शन होता है। किस वजह से होता है? अमीबा के वजह से होता है। हम पैरासाइट्स का नाम आगे देखेंगे क्या है। सो इतना समझ लेना, अमीबायसिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, और एक ये कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, हमारे पेट में से जाने के बाद वहाँ इंटेस्टाइन्स में वो चिपक जाता है, और वहाँ से वो अपना काम स्टार्ट कर देता है हमें इन्फेक्ट करने का, और हमारी प्रॉब्लम्स हमें डिजीज़ कर देता है, और हमें डिसकंफर्ट कर देता है। सो वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर देता है। अमीबायसिस इज कॉज्ड बाय प्रोटिस्ट पैरासाइट्स एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। सो ये भी एक प्रोटिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। सो इसका नाम क्या है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। सो ये पैरासाइट्स के वजह से हमें अमीबायसिस होता है। इसका नाम क्या है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका भी एक लाइफ साइकिल होता है हमारे बॉडी में, तो हम देख लेते हैं वो लाइफ साइकिल क्या है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का। अब हम देखने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटा अमीबा। एंटा अमीबा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें अमीबायसिस का डिजीज फैलाता है। सो हमारे बॉडी में इसका क्या लाइफ साइकिल है वो हम देखने वाले, क्या क्या स्टेजेस है। सो जो नॉर्मल स्टेज होता है वो क्या, अमीबा के फॉर्म में होता है, एक सिंगल सेल्स होते हैं, तो ये सब सिंगल सेल्स है, ये है सिंगल सेल्स है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, अमीब्यूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीब्यूले बोलते हैं। अब ये सिंगल सेल्स को हम जूम करते हैं, सो हमें क्या दिखेगा, ये सब दिखेंगे। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एंडोसोम्स है, जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है। और ये क्या है,
इसके फूड वैक्यूल्स है। सो फूड वैक्यूल्स आपको समझना चाहिए स्टूडेंट, आपने जो भी पिछले क्लास में पढ़ा होगा सेल्स के ऑर्गन्स के बारे में, उसमें एक वैक्यूल्स करके भी एक ऑर्गन होगा जिसमें कि वो फूड रखता है। सो ये उसके फूड वैक्यूल्स हैं, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इसका एंडोप्लाज्म है, जिसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये इनके सेल्स में ये एंडोप्लाज्म है, और जिसके वजह से ये रेंगता है, इन शॉर्ट ये रेंगता है। तो ये इसको स्यूडोपोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियम बोलते हैं। और ये जो बाहर वाला पार्ट है जो एंडोप्लाज्म और स्यूडोपोडियम के बीच में है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है एक्टोप्लाज्म। क्या है, एक्टोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ गया होगा अमीबा का। सो ये स्टेज में फर्स्ट टाइम में रहता है, ये साइकिल पहली बार तो कंटिन्यू होते रहेगा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है, अमीब्यूले होता है। सो इसके एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वो टाइम पे ट्रोपोजॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोपोजॉइड। बाद में ये ट्रोपोजॉइड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा में पिछले क्लासेस में, कि दो टाइप्स में वो डिवाइड होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी डिवीजन होता है, क्या होता है, बाइनरी डिवीजन होता है। तो बाइनरी डिवीजन में क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये वाला जो सेल है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इसमें से एक सेल सेम काम दूसरा सेल भी करने वाला है। सो इसमें से एक सेल क्या करेगा, सिस्ट फॉर्म करने की तैयारी करेगा। सिस्ट क्या है, एक आउटर कवरिंग होता है यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, हम सिस्ट बोलते हैं। तो ये सिस्ट फॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे ये बिना सिस्ट का अमीबा है। तो यहाँ पे दूसरा फोर्थ स्टेज जो, उसमें सिस्ट फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो गया, तो ये सिस्ट वाला अमीबा है। और उसमें क्या है, क्रोमैटॉइड्स बॉडी है। क्रोमैटॉइड्स बॉडी में क्या होता है, इनके प्रोटीन्स रहते हैं, आरएनए प्रोटीन्स रहते हैं इनके अंदर। तो ये क्रोमैटॉइड्स बॉडी है, तो इसमें सिस्ट फॉर्म हो गया है। अब इधर पे न्यूक्लियस है इनका। अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, अंदर डिवाइड होके दो हो जाएंगे, तो क्या बोलते हैं उसे हम, बाय न्यूक्लिएटेड सिस्ट, मतलब दो न्यूक्लियस वाला अमीबा, वाला अमीबा। तो दो न्यूक्लियस वाला सिस्ट, सिस्ट क्यों, ये स्टेज को सिस्ट बोलते हैं, अमीबा के स्टेज को सिस्ट बोला गया, क्योंकि इसके आउटर पार्ट में सिस्ट डेवलप हो गया, तो यहाँ पे भी सिस्ट है। और अंदर ही क्या है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है। अब ये इस स्टेज में क्या हुआ है, चार न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं उसके अंदर, और ये क्रोमेटोइडल बॉडी जिसमें कि उसका आरएनए प्रोटीन्स वगैरह दूसरे प्रोटीन वगैरह रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, एंडोसोम है, एंडोसोम में इसके जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये ग्लाइकोजन वैक्यूल्स है। ग्लाइकोजन वैक्यूल्स मतलब इसमें वो अपने फूड स्टोर्स करके रखा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये उसके वैक्यूल्स हैं। यहाँ पे भी ये वैक्यूल्स है जिसमें उसने हमारे अंदर के आरबीसी सेल्स को डाइजेस्ट कर रखा है। इसमें ये सब भी वैक्यूल्स है, पर ये खाली है। फिर इसके बाद इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट। क्वाड्री न्यूक्लियेट मतलब चार न्यूक्लियस वाला सिस्ट। सिस्ट क्यों, आउटर कवर में इसके सिस्ट फॉर्म है। अब क्या होता है, ये सब न्यूक्लियस एक एक करके क्या होंगे, इस सिस्ट से बाहर निकलेंगे। सो यहाँ से ये इनका पेरेंट सिस्ट है, यहाँ से बाहर निकल के ये अपना सिस्ट बनाएंगे खुद का, क्या करेंगे, ये अपना सिस्ट बनाएंगे खुद का। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस्टमेंट, क्या बोलते हैं, एक्सिस्टमेंट कर रहे हैं वो। सो अपना खुद का सिस्ट बनाएंगे बाहर निकल के, ये सब न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे, ये एक एक करके सब बाहर। उसके बाद क्या होगा, मेटासिस्टिक अमीबा। तो यहाँ पे इनका सिस्ट बन चुका है, तो इसका यहाँ पे सिस्ट बन चुका है। और इसके बाद क्या होते हैं, इनमें इनके न्यूक्लियस में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। या तो ये न्यूक्लियस डिविजन करके आगे बढ़े, या तो ये बाइनरी डिविजन करके डिवाइड हो, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, या तो न्यूक्लियस डिवाइड करके ये डिवाइड हो जाए, या बाइनरी डिविजन से डिवाइड हो जाए, तो कुछ भी वो असेक्सुअल फॉर्म में ही होगा।
और फिर उसके बाद फिर से बहुत सारे में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे सिंगल सेल्स फिर से बन जाते हैं और ये प्रोसेस फिर ऐसे चलते रहता है। सो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होते रहता है। जब ये हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो ये हमारा न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, हमारे सेल्स यूज़ करते हैं और हमारे प्रोटीन्स यूज़ करेंगे और ये अपना रिप्रोडक्शन करके हमें हार्म करते रहेंगे। सो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल समझ क्या होगा। एंटा अमीबा बहुत ही 15% लगभग 15% पॉपुलेशन इंडिया के हार्म होते हैं इससे। सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा अच्छे एरिया में नहीं रहते, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है, वो उन्हीं लोग को होता है ज़्यादातर के। या तो कंटेमिनेटेड कोई फूड खा ले सो हो जाएगा उन्हें। तो ये लाइफ साइकिल है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का। इसके पहले हमने प्लाज्मोडियम का देखा था, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। सो अब आगे देखेंगे क्या है। सो हमने लाइफ साइकिल देख लिया है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का। अब हम कुछ साइंस और सिम्टम्स देखते हैं अमीबाइसिस का, किस तरह से हम पहचानेंगे कि हमें अमीबाइसिस हो गया। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या है? डायरिया, फ्लैटुलेंस, स्टूल विथ म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन्स आर कॉमन। सो डायरिया होने लगेगा आपको, मतलब आपको पानी की कमी होने लगेगी आपके बॉडी में। फ्लैटुलेंस, आपके इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे गैसेस जमा हो जाएंगे। स्टूल विद म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन, सो आपके जो वेस्ट मटेरियल है, डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट होने के बाद आपका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसके साथ म्यूकस आएगा एंड एब्डोमिनल पेन। सो आपके पेट वाले एरिया में क्या होगा? पेन होने लगेगा। सो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। दूसरा क्या है? पासिंग ऑफ ब्लड विद स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केसेस। तो कुछ क्रिटिकल केसेस में आपके वेस्ट मटेरियल के साथ ब्लड भी आने लगेगा। सो ये कुछ सिम्टम्स है, आगे और भी सिम्टम्स देखेंगे। सो ये आपको समझना है क्या है: डायरिया, फ्लैटुलेंस, स्टूल विथ म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन, और क्या है? पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल इज कॉमन इन अ सीवियर केसेस। तो आपको याद रखना है ये सब साइन और सिम्टम्स है। दूसरा, तीसरा देखते हैं, हेपेटोमेगेली ऑकर्स इफ पैरासाइट एंटर्स द लीवर, लीवर डेवलप्स अमेबिक लीवर एप्सिस अकम्पनीड विथ फीवर एंड पेन इन राइट एब्डोमेन। तो हेपेटोमेगेली आप हमने पिछले बार देखा था, लीवर सेल्स का इनलार्ज हो जाना, लीवर का हमारा सूज जाना। अब ये कब होगा? जब ये एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे सेल्स, हमारे लीवर सेल्स में आ जाएंगे। सो इसके वजह से हमें फीवर भी होगा और हमारे राइट के स्टमक एरिया में क्या होगा? पेन होगा। हमारे जहाँ जिस साइड हमारा लीवर है वो साइड में क्या होगा? पेन होने लगेगा। सो ये भी एक एक साइन और सिम्टम्स है। सो ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना है, और आपको अभी भी ये नोट करना है आपके बुक में। जो भी आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये नोट करते जाना है। सो मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको इजी होगा लिखने में। सो ये साइंस और सिम्टम्स थे अमीबाइसिस के, क्या है? हेपेटोमेगैली। सो अब हम देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अमीबाइसिस, किस तरह से पहचाना जाए कि अमीबा अमीबा है इसमें और उसके ट्रीटमेंट क्या है। तो डायग्नोसिस ऑफ अमीबाइसिस इज मेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल। सो अमीबाइसिस पहचानने का एक तरीका क्या है कि वेस्ट मटेरियल को एग्जामिन किया जाए। इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल को एग्जामिन करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमें अमीबाइसिस हो गया है। तो वेस्ट मटेरियल में क्या मिलेगा हमें? वो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रेसेस मिलेंगे। क्या मिलेगा? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के वो पैरासाइट्स मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अमीबायसिस हो गया है हमें। सो इस तरीके के वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोस करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अमीबायसिस इज ट्रीटेड बाय यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोले एंड टाइनिडाजोले विच कैन डिस्ट्रॉय द एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज अदर टिश्यू। तो ये कुछ मेडिसिन्स के नाम है, ड्रग्स के नाम है, मेट्रोनिडाजोले एंड
टाइनी डस्ट होले। तो ये क्या करते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो भी हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और भी कहीं जो भी अगर कहीं टिश्यूज़ में पहुंच गए हैं तो वहां से भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्रग्स लेने के बाद। सो, इसका ट्रीटमेंट इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ ड्रग्स से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो, ये ट्रीटमेंट होता है, ये था हमारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सो, अब हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह से हमें हम बच सकते हैं अमीबायसिस हमें होने से। वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबी डायपर्स। तो आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, गर्म पानी से धोने हैं और साबुन लगा के धोना है जब भी आप टॉयलेट से आते हैं या बेबी का कोई डायपर चेंज करते हैं। सो, अपने हाथ आपको अच्छे से धोने। ड्रिंक बॉयल वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर। अवॉइड ईटिंग अनहाइजेनिक फूड। सो, आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए, अगर आप उबाल नहीं सकते तो पानी क्लोरिनेटेड होना चाहिए एंड फिल्टर्ड होना चाहिए अच्छे से। और आपको अनहाइजेनिक फूड खाना, बाहर का जो भी फूड है, जो एरिया गंदगी से भरा हुआ वहाँ से आप कोई फूड लेके खाते हैं, सो, वो फूड भी आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो आप अमीबायसिस डिसीज से बच सकते हैं। और क्या तरीका है हम आगे देखते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं ये कॉमन है, आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में आया तो ईज़िली आप लिख देंगे इसे। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड। प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सीवेज डिस्पोजल्स हेल्प इन अ प्रिवेंशन। सो, जो आप बाहर से भाजी वगैरह जो भी खरीदते हैं उन्हें अच्छे से धोना है, अच्छे से पकाना है। और प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सीवेज डिस्पोजल्स हेल्प इन प्रिवेंशन। और जो भी हमारे आसपास या हमारे एनवायरनमेंट में, उसे अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटाइज करके रखना है अच्छे से। और जो भी सीवेज डिस्पोजल से, मतलब जो भी आपके यहाँ का वेस्ट है उसे भी अच्छे से आपको डिस्पोज करना है। सो, ये सब आपको बचा सकता है अमीबायसिस डिजीज से, जो कि हमारे 15% पॉपुलेशन इंडिया के अफेक्ट होते हैं इनसे। सो, ये इतना कॉमन नहीं है, सिर्फ ये उन एरिया में कॉमन है जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादातर के कॉमन नहीं है। अब एक टॉपिक छूट गया था हमारा, वो पढ़ लेते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस तरह से हमें अमीबा हमारे अंदर आ सकते हैं। तो फेको ओरल रूट, अभी आप किसी गंदे जगह पे जाओगे तो वहाँ से आपके मुंह में ये अमीबासिस के पैरासाइट्स आ सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेको ओरल रूट बोलते हैं। और दूसरा है ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स, समझो आप कहीं से आ रहे हैं, आपके हाथ गंदे हैं और आप खा लेंगे तो आपको, और आपके हाथों में वो लगे होंगे तो अंदर चले जाएंगे आपके पेट में और आपको इन्फेक्ट कर जाएंगे। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो आपको गंदे खाने, अनहाइजिक खाने से और गंदे पानी पीने से भी आपको बचना है, बहुत दिन का भी पानी पीने से भी आपको ये डिजीज़ हो सकता है। तो ये तीन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सो, इनके वजह से आपको अमीबायसिस हो सकता है। तो ये कुछ ज़्यादा फैटल डिजीज़ नहीं है, डेथली डिजीज़ नहीं है, ठीक हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट, अगले वीडियो में एस्केरिसिस इसी तरह का एक डिजीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो।